हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कैथोलिक सीरियन बैंक विंक अकाउंट के बारे में। वैसे कैथोलिक सीरियन बैंक को शॉर्ट में सीएसबी कहते हैं, तो इसी के विंक अकाउंट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस अकाउंट के क्या फीचर्स होते हैं, इस अकाउंट में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इसी अकाउंट के बारे में। तो सबसे पहले इसका बेनिफिट आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये एक डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है। जैसा कि यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है, डिजिटल सेविंग्स अकाउंट जब भी मैं कहता हूँ उसका मतलब ये होता है एक ऐसा सेविंग्स अकाउंट जिसको आप विदाउट विजिटिंग ब्रांच ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आप घर बैठे ओपन कर लेंगे, आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए, इससे ये आप मत समझिएगा कि सिर्फ और सिर्फ जब भी डिजिटल सेविंग्स अकाउंट कहा जाए तो योनो डिजिटल सेविंग्स अकाउंट मतलब होता है, ये नहीं होता है सिर्फ मतलब। वो तो एक नाम है, बैंक ने SBI ने नाम दे दिया है तो वो अकाउंट है, वो अलग अकाउंट है। लेकिन ये एक तरह का अकाउंट होता है, डिजिटल सेविंग्स अकाउंट एक तरह का अकाउंट होता है और इसमें सारे बैंकों के वो सारे सेविंग्स अकाउंट्स आ जाते हैं जो ऑनलाइन ओपन होते हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है, अब अभी विजिट करिए एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर, चेक करिए, वहाँ पे इजी एक्सेस अकाउंट है, वहाँ पे प्राइम अकाउंट है, वहाँ पे बरगंडी अकाउंट है जिस पे लिखा हुआ है डिजिटल अकाउंट। इसका मतलब ये है कि वो जो है सब ऑनलाइन ओपन हो सकते हैं। इसी तरह से आप जो है यस बैंक की वेबसाइट पर विजिट करिए, जिसके मैंने कल वीडियो आप लोगों को बना करके दिए, डिजिटल सेविंग्स अकाउंट उन्होंने साफ साफ लिख रखा है। इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि वो योनो डिजिटल सेविंग्स अकाउंट को प्रमोट कर रहे हैं और उसमें अलग अलग उन्होंने अकाउंट दे रखे हैं अपने सेविंग्स अकाउंट, जो आप ऑफलाइन भी ओपन कर सकते हैं और ऑनलाइन ओपन करते हैं तो वो डिजिटल सेविंग्स अकाउंट हो जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे भी साफ साफ देख लीजिए, तो ये सारे लोग जो है योनो SBI को प्रमोट कर रहे हैं। बताइए आप लोग, मैंने इसीलिए वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को बताया था कि मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी है, क्या क्या इशूज आए हैं डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के साथ में, ताकि आप लोगों के साथ में वो सारे इशूज ना आए, ताकि आपको वो सारी परेशानियां ना उठानी पड़े, ताकि आप लोग पहले से सबको जानते रहें और सोच समझ के फैसला करें। तो मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का यही मकसद था कि मैं आप लोगों की भलाई कर सकूं। तो बहरहाल अब बात कर लेते हैं इसी अकाउंट के बारे में। तो डिजिटल अकाउंट है, इसका मतलब ये होता है कि आप इसको ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब कि लिंक्ड होना चाहिए, और इसके साथ में आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 या फिर 18 अबव होनी चाहिए और आप जो एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं होने चाहिए कैथोलिक सीरियन बैंक के, अदरवाइज आप नई अकाउंट की ओपन कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इस अकाउंट के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में, और भी जो कुछ जरूरी जानकारी है इस अकाउंट से रिलेटेड वो सब कुछ आप लोगों को मैं देने वाला हूँ। तो इसमें आपको क्या है कि वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल रहा है और आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आप इंस्टेंटली जैसे कि मोबाइल बैंकिंग वगैरह, नेट बैंकिंग वगैरह का सबका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह कर सकते हैं, आप जो फंड ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं, IMPS वगैरह NEFT करना तो वो सब कुछ आप कर सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पे ये ऑनलाइन बैंकिंग की सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, लेकिन इस पे कुछ आपको लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शंस भी देखने को मिलते हैं और वो काफी बड़े होते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के साथ में ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये अकाउंट आधार OTP बेस्ड होता है, जैसा कि आप लोग ये भी जानते हैं, आपको मैं बता चुका ऑलरेडी। तो जो लोग नहीं जानते उनको बता देता हूँ कि आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना इसीलिए जरूरी है कि आपके आधार को वेरीफाई किया जाता है OTP के जरिए से। तो आधार OTP बेस्ड इसको अकाउंट कहा जाता है या फिर KYC बेस्ड अकाउंट, और इसको जो है लिमिटेड KYC कहते हैं। तो ये अकाउंट एक लिमिटेड KYC अकाउंट कहलाता है। इसमें कुछ लिमिटेशन और कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, जैसे कि आप इसमें 1 लाख से ज्यादा बैलेंस रख नहीं सकते और साल भर में टोटल क्रेडिट टोटल डिपॉजिट आप जो है 2 लाख से ज्यादा कर नहीं सकते, उससे नीचे का होना चाहिए नहीं तो अकाउंट आपका फ्रीज हो जाएगा। तो ये सारे कुछ इसमें लिमिटेशंस होती हैं। और इसके अलावा जैसे चेकबुक आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि सिग्नेचर आपका अपडेट नहीं होता है, जब तक आप फुल KYC ना करा ले, सिग्नेचर अपडेट ना करा ले तब तक चेकबुक आपको मिलेगा नहीं, कहाँ से आपका सिग्नेचर अपडेट ही नहीं रहता है तो चेक आपका वैलिड ही नहीं होगा। इसी तरह से ब्रांच ट्रांजेक्शन होगा नहीं क्योंकि जब आप ऐसे कैश विड्रॉल करना चाहेंगे कैश विड्रॉल स्लिप से तो वो जो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि आपका सिग्नेचर बैंक के पास मौजूद नहीं, तो कैसे, वैसे तो कोई भी सिग्नेचर कर करके आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता है, तो इसलिए ये भी वैलिड नहीं होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि कैश ट्रांजेक्शन मतलब ब्रांच से जो ट्रांजेक्शन आप करते हैं वो यहाँ पे आपको अलाउड नहीं किया जाता है। हालांकि आप पैसे इसमें डाल सकते हैं, पैसे वैसे अगर आपको डिपॉजिट करना हो तो आप किसी दूसरे बैंक से अगर आपको NEFT या फिर IMPS करना वो आप कर सकते हैं, बिल्कुल ईजिली इसमें हो जाएगा, UPI वगैरह से पैसे भेज सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं ऑनलाइन, बहुत अच्छे से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल रहा है, तो मतलब कि ऑनलाइन बैंकिंग के लिए ठीक है अकाउंट, आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि आप 2 लाख से ज्यादा के क्रेडिट्स इस अकाउंट में नहीं कर सकते साल भर के अंदर अंदर टोटल क्रेडिट्स, और इसके अलावा 1 लाख से ज्यादा का बैलेंस भी नहीं रख सकते हैं। तो ये सारे कुछ लिमिटेशन कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इस अकाउंट पे। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको फुल फ्लेज्ड अकाउंट बना लें, मतलब कि किसी भी तरह का कोई भी लिमिटेशन किसी भी तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना रहे इस अकाउंट पे, एकदम
आप आजादी के साथ में जितना चाहे उतना बैलेंस रख सके, जितने चाहे उतने ट्रांजेक्शन कर सके, कोई भी लिमिटेशन कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना रहे। तो इसके लिए आपको इस अकाउंट को अपग्रेड करना पड़ेगा एक फुल केवाईसी अकाउंट में, मतलब कि इसके लिए आपको या तो ब्रांच विजिट करना पड़ेगा या फिर ये खुद बैंक वाले आपको कॉन्टेक्ट करेंगे और उसके बाद आपका अकाउंट अपग्रेड करवाएंगे। बहरहाल इसके लिए समझ लीजिए कि ब्रांच तो जाना ही पड़ेगा, वहां से जाकर के आपका ये काम होता है। जब आप अपना अकाउंट अपग्रेड करवाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आप कौन से अकाउंट में इसको अपग्रेड कराना चाहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा। और जब तक आप इस अकाउंट को अपग्रेड नहीं कराते, जब तक ये लिमिटेड केवाईसी अकाउंट होता है, तब तक वही लिमिटेशंस वही सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। लेकिन इसमें कोई मेंटेनेंस का आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है, इसमें कोई बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। तो तब तक तो एक तरह से समझ लीजिए कि जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन बड़ा रिस्की होता है, मतलब कि ट्रांजेक्शन थोड़े से ज्यादा हो गए तो वो अकाउंट फिर जो फ्रीज होने का खतरा रहता है। साल भर में 2 लाख की तो लिमिट मिलती है टोटल, मतलब कि जो आपके अकाउंट में पैसे आते हैं कुल जोड़ लिए जाए कि कितने पैसे आए हैं साल भर के अंदर आपके अकाउंट में, तो उसमें 2 लाख से नीचे के ही होने चाहिए। 2 लाख से ज्यादा करेंगे तो आपका अकाउंट चला जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो इसलिए लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन के साथ में ये जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा। लेकिन जब आप इसको फुल केवाईसी अकाउंट करवाएंगे तो उसके लिए आपको अपना अकाउंट अपग्रेड करना पड़ेगा एक दूसरे अकाउंट के साथ में, और वहां पे आपको उसी के अकॉर्डिंग बैलेंस मेंटेन करना होगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था, यही आपको जानकारी देनी थी। अगर आपको ये अकाउंट ओपन करना है तो आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करिए, यहाँ पे एकदम सामने ही आपको ये बैनर देखने को मिलता है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे आप इस पेज पे, जहाँ पे आप इसकी डिटेल्स वगैरह भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ओपन नाउ, इस पे आपको क्लिक करना है और ये देख लीजिए, और ये एक पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे फिर से इसकी डिटेल्स वगैरह बताई गई हैं, तो आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोसीड टू ओपन अकाउंट। और देखिए यहाँ पे आपको बताया गया कि अगर आपका मोबाइल नंबर CSB के साथ में, मतलब कैथोलिक सीरियन बैंक के साथ में रजिस्टर्ड नहीं है तो ये आप ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा पैन कार्ड होना और आधार कार्ड होना जरूरी है, देखिए ईकेवाईसी के लिए आधार नंबर होना जरूरी है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद पैन नंबर, और यहाँ पे नेम जो भी आपके पैन पे है, उसके बाद आपको जो कंटिन्यू कर देना है। और यहाँ पे देखिए आई डोंट हैव पैन का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे चेक कर देते हैं, मतलब इस पर आप टिक मार्क लगा देते हैं, तो फिर आप अपना अकाउंट नहीं ओपन कर पाएंगे ऑनलाइन। तो दोस्तों बस इसी तरह से हम चाहें तो ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब अपनी सारी डिटेल्स आपको एंटर करनी होती है, उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, अकाउंट नंबर वगैरह मिल जाएगा, कस्टमर आईडी वगैरह मिल जाएगा, और उसके बाद आप मोबाइल बैंकिंग वगैरह नेट बैंकिंग वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इजी है अकाउंट ओपन करना, बस परेशानी उसी टाइम पे आएगी जब आपको फुल केवाईसी कराना हो, और जब आप चाहे इसको अच्छे से इस्तेमाल करें, मतलब एकदम फ्रीली इसको इस्तेमाल करें बिना किसी लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन के, तो उसके लिए आपको अपना अकाउंट अपग्रेड कराना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।